बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां संखेप सार करांगे सांझी कंध दा। कपूर सिंह दे बारशां विच ढह गए मकान दी इक कच्ची कंध अपने चाचे दे पुत्तर दरबारे नाल सांझी सी, जो कि अजे खड़ी सी। कपूर सिंह सारा मकान पक्का बनाउण दा विचार रखदा सी ते ओह चाहुंदा सी कि दरबारे वल दी कंध नूं ढा के पक्की बना लिया जावे, पर दरबारा कोई गल सुनदा ही नहीं सी। एक दिन कपूर सिंह ने सरपंच धम्मा सिंह, राम रतन पटवारी अते टूंडे लंबड़दार सामने आप उस नाल गल छेड़ी तां सरपंच दी चुक होण करके दरबारे ने उस दी इक भी ना मन्नी, जिस करके वह आपस विच उलझ पए। टूंडे लंबड़दार ने दोहां नूं रोक के कपूर सिंह नूं घर भेज दिता। दुबिधा विच फसे कपूर सिंह ने दरबारे वल दी कंध नूं छड़ के बाकी मकान बनाउणा शुरू कर दिता। कुछ दिनां मगरों बाकी मकान बन गया ते गल कंध उत्ते आ पुजी। कपूर सिंह ने पिंड दे लोक इकट्ठे किते। पंचायत दे सामने दरबारे ने पहलां तां बथेरे पैर अड़ाए, पर मगरों उस नूं पिंड दी सांझे राय अगे झुकणा पिया। उस नूं मजदूरी छड़ दित्ती, माफ करना बच्चों, उस नूं मजदूरी छड़ दित्ती गई, पर इट्टां ते होर समान दा अद्ध देना उस नूं मन्नणा ही पिया। उस नूं कंध दी हाले लोड़ नहीं सी, इस करके रियायत वजों उस दे हिस्से दी रकम दो लम्मियां किश्तां विच वंड दित्ती। पहली किश्त उसने आउंदी निमाणी नूं देनी सी ते दूजी लोहड़ी नूं। पंचायत दे सामने कंध ढा के जदों इट धरन लगे तां धम्मा सिंह सरपंच ने रस्सी एक हत्थ कपूर वल रख के फिर लड़ाई पवाउणी चाही, पर सारे पिंड दे सामने उसकी चाल ना चल सकी। परंतु जदों मिस्त्री निशान लाउण लगा तां अपनी अड़भजण दी नमोशी कारण दरबारा बोल पिया कि उसनूं मंजूर नहीं, क्योंकि कंध चार उंगलां उस पासे है। उधरों कपूर सिंह भी बोल पिया ते दरबारे दे गाल कढ़न करके दोहां धिरां विचकार डांगां ते गडांसियां चल पईआं। दोवें धिरां जख्मी हो गईआं ते फिर दोहां दीआं जमानतां होईआं। इस पिछों कंध तां बण गई, पर दोहां धिरां विचकार पुश्तां दा वैर खड़ा हो गया। दरबारे ने इकरार अनुसार पैसे भी ना दित्ते। कपूर सिंह चुप सी, पर एक दिन चाची राम कौर तों उसनूं पता लगा कि दरबारा नमूनीए नाल बहुत बीमार है। कपूर सिंह सब कुछ भुला के उसके घर गया ते उसका हाल चाल पुछ के उसके इलाज लई 10 रुपए उसकी जेब विच पा दिते ते कहा कि वह मंडियों डॉक्टर भेजेगा। इस समय दरबारा सिंह भी पिघल चुका सी ते उसने उसनू कहा कि उसने तो पहला ही उसके पैसे देने हन। कपूर सिंह ने उसनू पैसों का फिक्र छड़ के तकड़ा होने लई कहा। दरबारे ने मन्या कि उसनू तो सरपंच उसके विरुद्ध चुकदा सी, उंज वह भी उसका दोखी नहीं सी। दरबारे दे अंदर हुण पूरी तरह अपनत्त जाग चुकी सी। उसने कपूर सिंह तो अपनी धी बंसो दे विआह बारे सलाह पुछी ते कपूर सिंह ने विआह ते आउण दा इकरार किता। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਵਗ ਤੁਰੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਘਰ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖੰਗੂਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਮਾਈ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਅੜ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
हौली जिही खंगूरा मारिया। जेड़ा दरबारा सिंह नू कपूर सिंह दी गल ना मनण दा संकेत सी। इस खंगूरे नाल दरबारा सिंह दा रुख फिर बदल गया। उसनू मुड़ वट चढ़ गया ते मत्थे उत्ते त्योड़ियां मुड़ संगणियां हो गईयां। फलस्वरूप उसने कपूर सिंह प्रति फिर रुखा रवैया अख्तियार करदिया उस दी गल मनण तो इनकार कर दिता। अगला प्रश्न, दरबारा सिंह चाहुंदा होया भी कपूर दी सांझी कंध बनाउण विच मदद नहीं कर रहा ते क्यों? दरबारा सिंह चाहुंदा होया भी कपूर सिंह दी सांझी कंध बनाउण विच इस करके मदद नहीं सी कर रहा क्योंकि भाईचारक प्यार दा दोखी सरपंच तम्मा सिंह उसनू कपूर सिंह दे विरुद्ध चुक रहा सी ते ए हर गल विच उसनू कपूर सिंह दे खिलाफ भड़का रहा सी। अगला प्रश्न, कपूर सिंह नू केड़ी गल दा डर सी जिस करके दरबारा सिंह प्रति निर्माई वरत रहा सी? कपूर सिंह नू इस गल दा डर सी कि जिन्ना चिर दरबारा सिंह सांझी कंध नू बनाउण बारे उस नाल कोई फैसला नहीं करदा जां उसनू ढाउण वाले ओह कोल नहीं खड़ा हुंदा तां उस लई इस कंध नू पक्का बनाउणा औखा सी। इस दे नाल ही वो ये भी जानता सी कि कंध उत्ते भावें सारा खर्चा उही करे पर दरबारा सिंह उस उत्ते स्थिर फिर ही रख सकता सी। उसनू डर सी कि इस मामले उत्ते उन्हां विचकार किते लड़ाई ना हो जावे, इस करके वह उस नाल नरमाई वरत रहा सी तां जो वह किसी तरह सांझी कंध बनाउण लई रजामंद हो जावे। अगला प्रश्न, सब दूर हो जू चौगाठ बच रहे वाण बथेरा, ये शब्द कपूर सिंह ने किसनू अते क्यों कहे? ये शब्द सांझी कंध कहानी विच कपूर सिंह ने नमूनीए नाल बीमार पे दरबारे नू उदों कहे जदों ओह सारे गुस्से गिले छड के उसके घर उसका हाल चाल पुछण जांदा है ते ओह दसदा है कि उसनू कमजोरी बहुत है। कपूर सिंह ने उसनू हौसला देने लिए यह शब्द कहे। अगला प्रश्न, कहानी के अंत विच कपूर सिंह अपने बीमार भरा दरबारे नू किस तरह हौसला दिंदा है? कहानी के अंत विच कपूर सिंह ने अपने बीमार भरा दरबारे नू हौसला दिंदिया 10 रुपए उसकी जेब विच पाए ते नाल ही कहा कि वह मंडी जा के डॉक्टर नू भेजेगा। जदों दरबारे ने उसनू कहा कि उसने तो अजे उस किश्तों विच पैसे देने हन तां कपूर सिंह ने उसनू पैसों का फिक्र ना करने लई कहा। फिर वह उसनू ये भी कहिंदा है कि वह सरपंच दी चुक दीआं गल्लां नू मन विच ना लियावे। उसने ये भी कहा कि वह उसकी धी दे विआह विच भी आवेगा। अगला प्रश्न, सांझी कंध कहानी विच कहानीकार की सुनेहा देना चाहुंदा है? इस कहानी विच कहानीकार पिंडां दे समाजिक ते भाईचारक जीवन विच कुड़त्तन घोलण वाले तम्मा सिंह सरपंच वर्गे चौधरियां दी चुक चकाई भरे रोल नू नंगा करके पाठकां नू अजिहे निंदण योग किरदारां तों खबरदार रहण ते निक्कियां निक्कियां गल्लां उत्ते झगड़े करने छड के आपसी प्यार मुहब्बत नू कायम रखण दा सुनेहा दिंदा है। ये बच्चो प्रश्न उत्तर ते हुण आपां बहुत संखेप प्रश्न तुहाडे नाल सांझे करांगे जो इस प्रकार हन। संतोख सिंह धीर दी लिखी हुई कहानी केड़ी है? सांझी कंध। या उल्टा भी आ सकदा है कि सांझी कंध कहानी दे कहानीकार दा नाम दसो संतोख सिंह धीर। सांझी कंध कहानी दे किसे एक पात्र दा नाम लिखो कपूर सिंह। सांझी कंध कहानी दा मुख पात्र कौन है? कपूर सिंह। कपूर सिंह दे मकान दी खब्बी बाही दी सांझी कंध दा किस नाल झगड़ा सी? दरबारे नाल। दरबारा कपूर दा की लगदा सी? चाचे दा पुत। कपूर सिंह दी आर्थिक हालत किहो जी सी? कमजोर। पिंड विच सब तो वड्डी दुर्घटना की सी? कपूर सिंह दे सारे घर दा टह जाना। कपूर सिंह ने कर्जा लैण लई किन्ने विघे भौं बै कीती सी? 10 विघे। कपूर सिंह दे मकान दे सज्जे पासे दी कंध किस नाल सांझी सी? चाची राम कौर नाल। कपूर सिंह दे मकान दे पिछले पासे किसदा घर सी? चन्नण सिंह चीनीए दा।
मैं जानदा जिहड़ा वकील तेरे अंदर बोलदा। कपूर सिंह ने यह शब्द किस लई कहे? सरपंच तम्मा सिंह लई। कपूर सिंह नाल कौन कई वरियां तो लगता सी, मतलब दरबारे नू किस दी शह सी? सरपंच तम्मा सिंह। कपूर सिंह दी हमायत किसने कीती? टूंडे लंबड़दार ने। कंध ढाउण लई कौन आया? पंचायत दे आदमी। दरबारा पैसे वापस करना क्यों ना आया? गरीबी ते बीमारी कारण। दरबारे ने कपूर सिंह दे की मारिया? लाठी। कपूर सिंह नू दरबारे दे बीमार होण दी खबर किसने दित्ती? चाची राम कौर ने। दरबारे नू की बीमारी हुई सी? निमोनिया। हरबंसो किसदी धी सी? दरबारे दी। दरबारा कपूर सिंह नाल किसदे विआह दी गल करदा है? धी हरबंसो दी। अंत विच कपूर सिंह ते दरबारे दे चेहरे उत्ते की वापरिया? अथरू वगण लगे। सो बच्चो, ये कहानी सी सांझी कंध, ये उसदे सार सी, प्रश्न उत्तर सी, ते पूरी दी पूरी कहानी आपां तुहाडे नाल फिर सांझी करांगे। धन्यवाद बच्चों।